आसिला अनलॉक 5 रो गाइडलाइन अक्टोबर 15 रो खोलिबो सिनेमा हॉल मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल स्कूल खोलिबाने निष्पत्ति नेबे राज्य सरकार बुधवार केंद्र सरकार अनलॉक 5 लागी गाइडलाइन जारी करछंती ए अक्टोबर 1 रो अक्टोबर 31 पर्यंत देशरे लागू रहबो एथिरे केंद्र सरकार अनेक गुडीए कटकणा को कोहळ करछंती केंद्र गृह मंत्रालय पक्षरु जारी होइथिबा अनलॉक 5 गाइडलाइन अनुसार आसंता अक्टोबर 15 तारीख रु सारा देशरे सिनेमा हॉल खोलिबो खुलना चाहिए मगर ज्यादा नहीं और ज्यादा भीड़ नहीं रखना चाहिए सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए और सिर चेयर अलाउड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर हर आदमी आके बैठता है और आता है और जाता है या तो फिर उसको सैनिटाइजर करना चाहिए हर चीज़ की एक व्यवस्था अच्छी करे तो खुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई हर आदमी परेशान है ये टाइम उस परेशानी का हल तो गवर्नमेंट निकालेगी और उसके साथ साथ पब्लिक भी निकाले साथ में मिलके देखिए जी अभी तो जिस हिसाब से ये महामारी चल रही है उस हिसाब से है कि थोड़े दिन तो रुकना चाहिए परेशानी देखिए सबको हो रही है लेकिन है कि इस पर कोई राय विचार अच्छे से लेना चाहिए खोल देने से तो है कि सुविधाएं हो जाएगी लेकिन परेशानियां बढ़ सकती है तो उससे अच्छा है कि सोच समझ के काम करें तबे कंटेनमेंट मध्यरे आसुथिबा सिनेमा हॉल गुडी का बंद रहबो कंटेनमेंट जोन बाहरे 100 लोकों को ने समावेश को अनुमति सेही परे वाणिज्यिक प्रदर्शनी गुडी कर आयोजन को मध्य अनुमति दिया जाइछि एथि लागि केंद्र वाणिज्य मंत्रालय एसओपी जारी करिबो सेही परे क्रीडाविद को अभ्यास में उद्दिष्ट स्विमिंग पूल मध्य खुला रहबो एथि पई केंद्र क्रीडा मंत्रालय पक्षरु एसओपी जारी करा जइबो मनोरंजन पार्क और समान धरणर पार्क गुड़िक मध्य खोलिबा को अनुमति दिया जाइछि एथिलागि स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करिबो अन्य पक्षरे स्कूल कॉलेज और शिक्षानुष्ठान खोलिबा संपर्क रे निष्पत्ति नेबा पई राज्य सरकार मानकु अक्टोबर 15 परे स्वाधीनता दिया जाइछि अक्टोबर 15 रु धीरे धीरे स्कूल खोलिबा नै राज्य सरकार पदक्षेप नेबे तबे देशरे अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा को अनुमति दिया जाइनि ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज